अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेदू वड़ा रेसिपी है, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं हम। 250 ग्राम उड़द की दाल लेकर एक घंटे पहले हमने भीगने रखा था, अब इसे हम मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें हम हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून ज़ीरा भी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे। और इसे पीस लेंगे। देखिए इस तरह का आटा बनना चाहिए, ना एकदम ही घट होना चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी और ना ही पतली। हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें इसमें ऐड करना है, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा पाउडर और 2 ग्रीन चिल्ली और 10 से 12 करी लीव्स को हम बारीक चॉप करके डाल लेना है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और 1 टी स्पून नमक ऐड करना है और 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देना है। अब हम इधर चटनी की तैयारी करेंगे, मेदू वड़ा की चटनी। हाफ बॉल हमने कोकोनट लिया है, 7 ग्रीन चिल्ली लिया है और 2 पीस गार्लिक के लिए है और ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा सा और 1 बॉल चना, 1/4 टी स्पून नमक। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और इसे पीस के लेंगे। ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी घट है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने 1 टीस्पून ऑयल लिया है, 1/4 टीस्पून राई लिया है और 4 से 5 हमने करी लीव्स लिए हैं। और 1/4 टीस्पून उड़द की दाल जो हमने पीसे थे उसमें से ही हमने थोड़ा सा उठा ली थी और ये हमने ब्राउन होने पर चटनी में तड़का लगा दिया है। चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, ट्राई कीजिए आप। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है और उसमें गर्म होने पर मीडियम फ्लेम रखकर हम आटे को सर्कल जैसे बनाकर इसमें डालेंगे, लेकिन हमें इसे एकदम पकने के बाद ही पलटना है, ज़रा भी टच नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में ये पूरे मेल्ट हो जाते हैं। हमें इसे आहिस्ते से चेक करते रहना चाहिए कहीं ये नीचे से लग ना जाए, और जब तक ये इसका चिपकना कम हो जाता है और ये पलटी हो सकते हैं, जब तक हमें पलटना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और चिपचिपे रहते हैं, इसे हम बहुत ध्यान से पकाना है। एक तरफ हो जाने के बाद ब्राउन हमें दूसरी तरफ पलट के पकाना है। अब इसे पलट पलट कर हम चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। देखिए गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और उसी ऑयल में हमें सारे मेदू वड़े तल लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मार्केट में जो मिलते हैं उस तरीके के नहीं रहते। आप घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं।
दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।